हाय फ्रेंड्स, होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम इन माय न्यू सेशन। एंड टुडे आई एम हेयर विद सीएमए हर्षिता, एंड सी हैज रिसेंटली क्वालिफाइड सीएमए एंड सी गेट ए प्लेसमेंट इन सीट को एज ए फंड अकाउंटेंट। एंड इनका भी कैंपस हुआ है, सो मोस्ट ऑफ द थिंग ये बहुत अच्छा है कि आप सीएमए जर्नी क्वालिफाइड करते हो। और कैंपस आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं एंड उसमें से बहुत फ्यू स्टूडेंट्स का कैंपस प्लेसमेंट होता है। सो ये जर्नी काफ़ी आपके लिए इंटरेस्टिंग होगी एंड होप सो कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हर्षिता, थैंक यू कि आपने मेरे इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया एंड आप यहाँ आए हैं। Hi Rohan and hi guys and thank you so much Rohan to you for giving me this opportunity. बहुत ये बहुत अच्छी opportunity है ताकि मैं अपनी story सबके साथ share कर सकती हूँ and you are really really doing a very great job. थैंक यू। सो हर्षिता, मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, मैं आपसे भी वही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपने जब सीएमए ज्वाइन किया, सो आपका क्या इंस्पिरेशन था सीएमए ज्वाइन करने का एंड आपको सीएमए के बारे में अवेयरनेस कैसे मिला? बिकॉज हो मतलब आज से 3-4 साल पहले होप सो आपने सीएमए स्टार्ट किया हो और उस समय शायद सीएमए की अवेयरनेस और कम थी। सो आपने किस तरीके से स्टार्ट किया, आप थोड़ा बताओ। So for my CMA journey, actually from my schooling only, I was not very fond of science. So I had made up my mind that I'll choose commerce for my further 11th and 12th secondary. And I had talked to my father about this. My father is actually a professor from the commerce background only. So he told me that doing commerce, you wanted to be a chartered accountant, right? I had also this in my mind. So मैंने अपने पापा से बात करी थी, उन्होंने ICWA course के बारे में बताया। उस time CMA को ICWA बोला था, तो उन्होंने बताया कि कुछ students हैं वो लोग CMA कर रहे हैं ऐसा। तो वहाँ से मुझे ये hit मिला था ICWA के बारे में। So eventually when I passed my schooling, I got to know that one among the students also got placed at SAIL in the Bukhara Steel Plant only. So I was very much impressed with that SAIL is a Maharatna company also, and it hit me hard at that time. So I researched about everything CMA course, its potential career opportunities and the diverse field I'll get to work in. So वहाँ से मुझे ये hit मिला ICWA का। But जब मैंने ICWA actually pursue किया था ना, तब उसके बाद मुझे ये questions बहुत आते थे कि आपने तो CA के बारे में सुना ही है, ICWA के बारे में आपने तो ऐसा कुछ नहीं सुना है, ये CA में क्या है क्या नहीं है। तो मैं जहाँ भी जाती थी ना, ऐसे मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता था कि CA में क्या है, मैं क्या कर रही हूँ, ये कैसे रिलेट करता है, बार बार एक्सप्लेन करना पड़ता था। तो ये सारी चीजें आती है, ये लोगों को ज्यादा पता नहीं है इसके बारे में। यस, ये तो आती है। ये भी क्वेश्चन आता होगा कि आप किस कॉलेज से सीएमए कर रहे हो। हाँ राइट तो किस कॉलेज से कर रहे हो, तो मैं इंस्टीट्यूट का नाम बताती थी, वो बोलते थे ऐसा कुछ होता भी है क्या, नहीं हमने तो नहीं सुना है कि कॉलेज तो होगा पर्टिकुलर। मैं नहीं भाई, कॉलेज नहीं होता। सो हर्षिता, ड्यूरिंग द इनिशियल जर्नी, बिकॉज हम फ्रेशर होते हैं एंड हमें उतना ज़्यादा मतलब नॉलेज नहीं होता टैक्सेशन हो, कॉस्टिंग हो, अकाउंटिंग के बारे में, तो इनिशियल स्टेज में आपने भी कुछ चैलेंजेस फेस किए होंगे अपने लर्निंग स्टेज में, ग्रुप वन या फाइनल में। सो आपने किस तरीके से उस प्रॉब्लम को फेस किया एंड आप उससे किस तरीके से आउटकम आप बाहर आए, सो आप स्टूडेंट्स को थोड़ा बताओ। तो एक्चुअली फॉर माय फाउंडेशन एंड इंटर, नो मुझे मेरे पापा का बहुत हेल्प मिला था, क्योंकि मेरे पापा कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो वो मेरे सपोर्ट थे, तो वहाँ से मुझे सारा गाइडेंस एंड सब कुछ मिल गया था। एंड फॉर द टैक्सेशन एंड मेनी डाइवर्स जो हमारा था, तो उसके लिए मुझे मेंटोर्स मिले थे जो वर्क करते हैं सेल में, तो वहाँ से उन्होंने मुझे गाइड किया था वो लोग, और मेरे पापा, उनका गाइडेंस मुझे इंटर तक मिला था। एंड एक्चुअली मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा नहीं था उस मोमेंट पे, तो उन्होंने, मेरे मेंटोर बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया, उन्होंने मुझे बूस्टअप किया, कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं तुम्हारे पास पोटेंशियल है, यू कैन गो फॉर द रैंक। तो वहाँ से मुझे ये चीज़ मिली। एंड फाइनल्स में एक्चुअली बहुत ज़्यादा डाइवर्स सब्जेक्ट्स पे आ जाते हैं, तो मेन चैलेंज मेरे पास वहाँ था, क्योंकि आई कुडंट रिलोकेट टू एनी अदर सिटी बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो इसीलिए मुझे यहीं से रह के पढ़ाई करनी थी। आई बिलोंग टू अ स्मॉल सिटी, बोकारो स्टील सिटी फ्रॉम झारखंड, तो यहाँ पे ज़्यादा आपको लाइव टीचिंग के ऑप्शंस नहीं है, तो ऐसे या तो आप वीडियो क्लासेस ले सकते हो, पर वीडियो क्लासेस में ऐसा है कि आप पे क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हो, राइट? लाइव टीचिंग में वो आपके पास ऑप्शंस रहता है। एंड सेम चीज़ था कि यहाँ बोकारो में मेरी ट्रेनिंग भी चल रही थी, साथ में बी कॉम भी करना था मुझे बहुत सारी चीज़ें, तो वो सब मैंने फिर खुद से ही पढ़ाई की, वो सारे चैलेंजेस आए थे, तो
वही मुझे गाइडेंस अपने मेंटर्स का, मेरे फादर का मुझे मिला, ये सारे चैलेंजेस आए थे. एक और चैलेंज जो मैं बोलूंगी कि सबके लाइफ में आता है, जो आपको बहुत सुनना पड़ता है, लाइक सोसाइटी, लोगों की बातें, नंबर ऑफ अटेम्प्ट पूछेंगे आपसे कैसे लग रहे हैं, या आपके साथ जो थे वो थोड़े आगे दूसरे स्ट्रीम में थे तो वो आगे निकल गया, तुमसे कंपेरिजन होगा आपका, ऐसे बहुत सारी बातें सुनने मिलती है. आप बोलो कि एक प्लान भी रख लो, अगर ये नहीं हुआ तो वो. पर मेरा ऐसा नहीं था, मेरा था कि अगर एक फेलियर या कुछ भी ऐसा हो तो उससे मेरा एम चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि फाइनल्स में मैंने प्रिपेयर किया था फॉर बोथ ग्रुप्स एंड फर्स्ट टाइम मेरा क्लियर नहीं हुआ था. उस टाइम पे मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला था कि आप प्लान भी रख लो, पर मैंने ऐसा नहीं होने दिया. मैंने सबसे बात करी, उस नेगेटिव चीज़ों को मैंने अपने दिमाग में नहीं आने दिया, मैंने अपने सबसे ज़्यादा पेरेंट्स से बात की, वो बहुत मेरे सपोर्टिव थे, तो वहाँ से सारी चीज़ें फिर ठीक हो गई. और यहाँ पे मैं एक्चुअली एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, पता नहीं क्वेश्चन से रिलेवेंट है भी या नहीं, बट स्टिल दैट मैं ये देखती हूँ कि जब हम इन द स्पैन ऑफ टाइम जब हम प्रिपेयर करते हैं ना, उस मोमेंट पे वो ये चीज़ें होती हैं कि हमारे फ्रेंड्स जो है वो आगे निकल गए, ऐसे लाइक कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो वो प्लेस्ड हो चुके हैं, या फिर कुछ और है, कुछ फ्रेंड्स वो ट्रिप पे जा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एक प्रेशर क्रिएट करता है, एंगजाइटी फील होती है कि हम यहाँ पे ऐसा ऐसा. तो उसके लिए भी मैं बोलूँगी कि अगर आप किसी से बात कर सकते हो तो बात करो. मेरी सिस्टर थी, मेरे फ्रेंड्स थे कुछ, मैं उनसे बात करती थी, उनसे बात करके मैं अपने सारे दिमाग के निकालती थी कि आपका भी वो टाइम आएगा, यू जस्ट हैव टू कंट्रोल योर थॉट्स. एंड इसके लिए सबसे मेन मैं बोलूँगी सोशल मीडिया. सोशल मीडिया पे तो मैं ज़्यादा इसलिए नहीं एक्टिव रहती थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको इफेक्ट करता है, आपके स्टडी, आपके प्रिपरेशन को बहुत इफेक्ट करेगा. अगर आपका लिमिट, आपका कंट्रोल है तो आप यूज़ कर सकते हो, पर मैं एग्जाम से पहले तो फुली कट ऑफ हो जाती थी कि नहीं मुझे इतना इफेक्ट, इतना प्रेशर नहीं चाहिए, इसलिए मैं फुल कट ऑफ हो जाती थी. तो या ये सारे चैलेंजेस थे. या सो हर्षिता, आपने अपनी ट्रेनिंग कहाँ से कंप्लीट की थी? मेरी ट्रेनिंग थी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यहाँ वो कारो स्टील प्लांट है, वहां से मैंने. तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ, एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत अच्छा था. मैं बहुत खुश थी कि मुझे इतनी अच्छी कंपनी में काम करने के लिए मिल रहा है, इतनी अच्छी ट्रेनिंग का अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ से मिला. मैंने एक्चुअली वहाँ पे टैक्सेशन एंड कॉस्टिंग डोमेन में काम किया था, एंड सारे काम हमारे वहाँ एसएपी पे होते थे, एसएपी एफआई एनसीओ पे. तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि वो ट्रेनिंग ने मुझे बहुत ज्यादा एक्सपोजर दिलाया, हेल्प किया मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड को एक्चुअली पहचानने में कि आपका वर्क कल्चर कैसा होता है. आप ऑफिस जाते हो तो वहाँ का वर्क कल्चर रादर देन आप किसी से मिलते हो या बाहर जाते हो उससे बहुत अलग होता है. तो आप उसमें अपने आप को अडाप्ट करना, वहाँ पे काम करना बहुत डिफरेंट होता है. तो अगर वो आपको ट्रेनिंग में मिल जाता है ना तो वो बहुत बहुत अच्छा होता है. या राइट. और एक्चुअली आपने जब ऑलरेडी इतनी बड़ी कंपनी में काम किया तो आपको डर कभी नहीं लगेगा किसी भी इंटरव्यू को फेस करने में, ये एक एडवांटेज होता है इसका. सो फिर जब आपने सीएमए क्वालिफाइड किया, एंड वो मोमेंट कैसा था आपके लाइफ का? एंड मतलब होता है ना कि हम रिजल्ट काफी टाइम से देख रहे होते हैं क्या होगा, ऐसा कुछ एक दो दिन पहले से हमारे दिमाग में सारी चीजें आने लगती है, तो कैसा था आपके लिए? एक्चुअली हमारा जब रिजल्ट आने वाला था उससे पहले एक वीक पहले से र्यूमर आ गया था कि नेक्स्ट डे रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, ऐसा भी कुछ था. तो हम उस टाइम से ही बहुत डर गए थे फिर, लेकिन हमारा रिजल्ट 29 मार्च होली के दिन पे ही डिक्लेयर हुआ था. मैं तो ये सोच रही थी कि इंस्टीट्यूट ने ये दिन क्यों चूज किया फेस्टिवल का डे रिजल्ट डिक्लेयर करने को, बट स्टिल वो मोमेंट जो था वो मैं बता नहीं सकती, वो बहुत अलग था. इट वॉज काइंड ऑफ अ रियली रियली डिफरेंट फीलिंग. वाइब होती है आपको बहुत फास्टली हिट करती है, डिफरेंट. उस मोमेंट पे सब कुछ ऐसा ऐसा हो जाता है, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, सब कुछ हो गया. मैंने जब रिजल्ट आया था ना तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला, मैं कभी अपना रिजल्ट चेक नहीं करती हमेशा से, मेरी सिस्टर को बोलती हूँ. तो उसने रिजल्ट चेक किया और वो कंग्रेचुलेशन वाला थिंग मुझे फिर बताया. मुझे एक मिनट ऐसा लगा मतलब ऐसे करने में कि हाँ रिजल्ट क्लियर हो गया है. फिर मैं उसके बाद सबके घर में खुश थे, तो ऐसा था. एंड मैं बार बार हर घंटे पे ऐसे चेक कर रही थी कि हाँ यार मैंने क्लियर कर लिया ना, मेरे ही रिजल्ट है ना, ऐसा वाली चीज. ऐसा होता है मेरे साथ, तो ऐसा हमेशा हुआ. ग्रुप वन से लेके फाइनल तक में मैंने अपना रिजल्ट हमेशा 3-4 बार तो जरूर चेक किया होगा कि मेरा ही तो है. ये चीजें होती है. सो हर्षिता, आप बेसिकली आप बोकारो से हो, एंड फिर देन आपने वहां से कैंपस के लिए किस तरीके से आपने तैयारी की? बिकॉज एक छोटा सा चैलेंज होता है, आप छोटे शहर से बिलोंग करते हो तो वहाँ पे वो सारी रिसोर्सेज फैसिलिटी नहीं होती आपके पास, तो आपने किस तरीके से अपनी तैयारी की, प्रिपरेशन किया कैंपस के लिए? सो फॉर द कैंपस प्लेसमेंट एक्चुअली मैंने
रूटीन बनाया एडवांस तक जाते हैं, तो मैंने एक रूटीन फॉलो अप किया था. मैंने टॉपिक्स को डिवाइड कर दिया था फॉर द बेसिक्स एंड फॉर द एडवांस, एक क्योंकि एग्जाम्स के बाद मैंने प्रिपरेशन शुरू किए थे तो ऑब्वियसली सारे कॉन्सेप्ट्स थोड़े फ्रेश थे, तो मैंने बेसिक्स का रिविजन करना शुरू किया था. लाइक बेसिक्स में अकाउंट्स के बेसिक्स हो गए, टैक्सेशन के हो गए, जीएसटी के कुछ बेसिक्स थे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंड एस, क्योंकि इंड एस आई एफ आर एस ये सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे पूछते हैं रिक्रूटर्स उनके क्वेश्चन के हिसाब से. लाइक तो मैंने उन सब का किया, और मैंने एसएपी पे वर्क किया था तो मैंने उसके स्किल्स ब्रशअप किए. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, एक्सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एल्स आपने कोई सॉफ्टवेयर पे काम किया है आप उसके स्किल्स ब्रशअप करो. मैंने वो सारे यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे आपको, गूगल पे भी, इंटरनेट पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, आप वहाँ से सारे प्रिपरेशन कर सकते हो. मैंने भी वहीं से किया था. एंड मैंने कैंपस प्रिपरेशन के लिए एक्चुअली कुछ लोगों से लिंक्डइन पे भी कनेक्ट किया था सीनियर्स से, तो उन्होंने मेरी हेल्प करी थी फॉर द प्रिपरेशन कि आपको कैसे कैसे करना है. तो यहाँ ऐसे मैंने प्रिपरेशन किया. तो फिर जब इंटरव्यू के लिए आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी, वो आपकी किस किस कंपनी में शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी? मेरी मेनली हुई थी TCS में एंड सिटको में ऑन कैंपस, एंड ऑफ कैंपस भी मेरी मैंने कुछ कुछ कंपनीज में अप्लाई किया था तो वहाँ भी मेरा सिलेक्शन हुआ था. एंड मैं ये बोलूंगी कि जब मैंने सिटको ज्वाइन कर लिया था तो मुझे एक बिग फोर से भी अपॉर्चुनिटी आई थी, पर मैंने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया था सिटको. तो एंड मुझे एक्चुअली सिटको का जॉब प्रोफाइल बहुत ज्यादा पसंद था क्योंकि ये फाइनेंस से रिलेटेड था, तो ये मुझे बहुत ज्यादा. So, सिटको में किस टाइप्स के क्वेश्चंस का उनका फोकस था? बिकॉज फाइनेंस प्रोफाइल है तो मुझे एसएफएम का एरिया थोड़ा ज्यादा लगता है, तो कुछ क्वेश्चंस आप जो डिस्कस कर सकते हो कि बच्चों को उस पार्टिकुलर चैप्टर्स और टॉपिक के ऊपर फोकस करना चाहिए. क्वेश्चंस एक्चुअली ये फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री है तो आपको मोस्टली उसी के अकॉर्डिंग वो लोग पूछते हैं. फाइनेंशियल सर्विसेज आपके एसएफएम सब्जेक्ट है, उसमें आप पढ़ोगे तो डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड्स हो गए, हेज फंड्स, एंड डेरिवेटिव्स में कैसे आपके फॉरवर्ड्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस काम करते हैं, उनका प्रैक्टिकल अप्रोच कैसा होता है. एंड वो लोग फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्रीज के क्वेश्चन पूछते हैं विद अ बैकड्रॉप ऑफ हेज फंड, राइट? वैसे क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं. स्टॉक मार्केट है, उससे वो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं. सो या इन सब का एक टचअप रहता है क्वेश्चंस. ओके, एंड अभी आप ऑलरेडी वहाँ पे वर्किंग हो, तो इस इंडस्ट्री में एसएपी का इम्पोर्टेंस है या फिर कुछ ऐसे अदर्स टूल्स होंगे जिसको हम ज्यादा यूज करते हैं? यहाँ पे मेनली जो आपका वर्क है ना वो मतलब एसएपी पे नहीं होता है, उनका अपना सॉफ्टवेयर होता है, आपको उस पे काम करना होता है. मोस्टली जो वर्क होता है वो आपका एक्सेल पे होता है, ऐसी चीजें होती है. ओके, सो एसएपी में भी सॉरी एक्सेल में हमें जो फोकस रखना पड़ेगा वो फाइनेंशियल मॉडलिंग के साइड रखना पड़ेगा, राइट? जो फाइनेंशियल रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं उनके लिए. एग्जैक्टली, वो फाइनेंशियल रिलेटेड फॉर्मूलाज हो गए आपके, डिफरेंट फॉर्मूलाज, सम, इफ, ये सब के फॉर्मूलाज जो होते हैं, मैक्रोज हो गए, पिवट टेबल, वी लुकअप, एच लुकअप, ये सारी चीजें जो है ना स्किल्स, मतलब बेसिक्स ऑफ एक्सेल टू द एडवांस्ड एक्सेल जो होते हैं वो आपको सारे आने चाहिए. ओके, सो ये सारी जर्नी थी आपकी वहां से सिटको तक की, एंड आप पे यहां कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हो बच्चों के लिए तो आप कर सकते हो. मैं बच्चों के लिए ऐड ऑन करना चाहूंगी कि जब आप प्रिपेयर करते हो तो अच्छे से एग्जामिनेशन का प्रिपेयर करो, कंसिस्टेंट रहो अपने प्रिपरेशंस के लिए, एक रूटीन फॉलो अप बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है. वो रूटीन फॉलो अप करने से क्या होगा कि आपका स्ट्रेस नहीं होगा ज्यादा, स्ट्रेस रिड्यूस होगा, एंड बाद में सिलेबस पाइल अप नहीं होगा, सिलेबस सारे आपके टाइम पे कवर अप हो जाएंगे, रिविजन का बहुत टाइम मिल जाता है, राइट? एंड ये सारी चीजें आप कर सकते हो. अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है सीए में कर रहे हो, उसका मतलब ये नहीं कि आप घूमने नहीं जा सकते हो, आप घूमो फिरो फ्रेंड्स के साथ, एंजॉय करो, मूवीज देखो, सब कुछ करो, तब अच्छे से आप प्रिपेयर कर पाओगे. एक्चुअली दिन भर घर पे बैठे रहने से ये चीज नहीं होती है, आप स्ट्रेस के लिए योगा कर सकते हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है, आपके कॉन्सेंट्रेशन को भी डेवलप करेगा. ये सारी चीजें करो, अपने फुल एफर्ट्स दो एग्जाम में, रिजल्ट के बारे में कभी मत सोचो. ऐसा मत सोचो कि अगर एक फेलियर भी हो गया तो उसकी वजह से आप क्विट कर दोगे या रुक जाओगे, ऐसा नहीं होता है. किन्नी किन्नी का 2-3 अटेम्प्ट लगता है, पर आप उनको देखोगे दे आर एट अ वेरी गुड पैकेज. मैंने ये चीज इस अपने कैंपस प्लेसमेंट में भी देखी है, उन्होंने अटेम्प्ट लगाया है पर दे आर एट अ वेरी गुड पैकेज इन अ कंपनी, राइट? उनका जॉब प्रोफाइल भी बहुत अच्छा है, एक्सपीरियंस आपको बहुत ज्यादा हो जाता है उससे, अगर आप अटेम्प्ट भी लग रहे हैं तो उससे कुछ नहीं होना चाहिए. ये सारी बातें मैं कह सकती हूँ. और मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि जो बच्चे सीए में करना चाहते हैं तो वो पहले वो ये सोचते हैं कि स्कोप है या नहीं है या कुछ भी है, तो उसके लिए आप पहले रिसर्च करो सीएमए के ऊपर कि इसका कितना स्कोप है, पोटेंशियल क्या है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या है. अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है
तो लिंक्डइन पे इतने सारे लोग हैं, आप उनसे बातें कर सकते हो, कनेक्ट करो. एक्चुअली सीए में सीनियर्स बहुत ज्यादा है आजकल, वो जैसे आप भी हो बहुत ज्यादा इनिशिएटिव्स दे रहे हैं वो लोग हेल्प करने को, तो आप उनसे बात करो, बहुत कुछ जानने को मिलेगा. ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं है, फाइनेंस सर्विसेज में जाओ, कहीं जाओ, बिग फोर्स में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है. बस आपको सीए में उस प्लेटफॉर्म पे लेके आएगा, वहां से चलना आपको, स्टार्ट आपको करना है. मैं बोलूंगी कि बहुत अच्छा स्कोप है, प्लीज आप सीए में कर सकते हो, बहुत अच्छा है. एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू द स्टूडेंट्स फॉर द एग्जाम्स, अपने और सारे एफर्ट्स अच्छे से कर. ओके हर्षिता, थैंक यू कि आपने बहुत अच्छे अच्छे एडवाइस दिए स्टूडेंट्स को. होप्स हो कि सारे एडवाइस स्टूडेंट्स को अच्छे लगे एंड वो अपने लाइफ में फॉलो करें एंड वो भी अचीवमेंट्स को हासिल करें. सो थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड होप्स हो कि थैंक यू सो मच जॉन फॉर हैविंग मी. आप भी अपने लाइफ में अचीवमेंट्स और लेते रहें एंड अपनी लाइफ में जो आप जिस लेवल पे जाना चाहते हैं उस पे आप पहुंच जाए, मैं यही विश करूंगा. थैंक यू सो मच जॉन एंड विश यू द सेम. या थैंक यू. थैंक यू.